अभी तो हम फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स में खेले थे, उसमें सिलेक्ट हो, अगर सिलेक्ट हुए तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हैं और हम अपने उड़ीसा और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। हम जम्मू कश्मीर गए थे गुलमर्ग आइस शॉक खेलने। हमारा पहले हम लोग का पड़ा पहले बिहार के साथ, फिर पड़ा हमारा जेएनके के साथ, जो फाइनल था और उसमें हमारा सिल्वर लगा। हमें कश्मीर गुलमर्ग खेली जीतलू और सिलेक्शन है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पाई से तैयारी करूँ आ थपा सर अंडर खेली बहुत भल लगला और ओडा नाम रोशन कल कौन बहुत खुशी लगुच फास्ट टाइम खेल मिली खेलो इंडिया खेल कहना चाहूँगा ये जो गेम है ये एनक्यू गेम है आइस स्टॉक जो कि अभी रिसेंटली फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 जेएनके गुलमर्ग में हो रहा था उसके वहाँ ये इंक्लूड हुआ था और वहाँ पे हम लोग ओडिशा स्टेट की तरफ से आइस स्टॉक गेम को रिप्रेजेंट किए। यहाँ से हम लोग नाइन लोग गए थे जिसमें से एक कोच और दो टीम मैनेजर थे, 8 प्लेयर पार्टिसिपेशन किए थे टोटल। यहाँ से हमारे टोटल उड़ीसा से जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बच्चे लोग गए थे खेलने के लिए, पहले तो झारसुगड़ा संबलपुर और बरगढ़ यहाँ के बच्चों को हमने सिलेक्ट करके लिया था। यहाँ पर जैसे कि हमारे जो बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इसका ये था टीम टारगेट इवेंट था जो आइस स्टॉक का, जिसमें हमारे पहला कंपटीटर थे बिहार, फिर बिहार के बाद में हम डायरेक्टली पहुँच गए हमारी उसके बाद वो थी जेएनके के साथ में फाइनल पड़ गया हमारा। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग में हमारा पड़ा था दिल्ली के साथ, दिल्ली के बाद में हम लोग बिहार के साथ खेले, बिहार के बाद हम लोग हमारी फाइनल में हम पहुंच गए, फाइनल में हमारी थी जेएनके के साथ जिसमें कि जेएनके के साथ हमारी फाइनल थी और हमारी वहां पर टीम टारगेट में सिल्वर मेडल लगा ओडिशा स्टेट का।